गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय गुनुचुनी ओडिया ब्लॉग्स। तो मुझे गोटे रेसीपी बनाऊँगी, से रेसीपी नाँटी हूँ कलरा पोस्त। तो कलरा पोस्त बनवाई मुझे कौन कौन सामग्री नहीं केमी प्रस्तुत करुच्ची आपण मानक मध्यम जनइबी। तो आपण मैंने भिडियोटा को लास्ट पर्यटन देखु, भिडियोटा को लाइक सब्सक्राइब एंड सेयार करूँ। कलरा पोस्त बनवाई मुझे 250 ग्राम कलरा नहीं भाव लंबा लंबा कर टमाटो गोटे काटिके नहीं, प्याज गोटे नहीं, धनिया पत्र नहीं, आलू को यह भाव लंबा लंबा कर गोटे बड़ आलू नहीं, मसलार नहीं हाफ चमच सोरस, देढ़ चमच नहीं पोस्त, गोटे छोट रसुण नहीं, कंचा लंका गोटे नहीं, लुण हलदी गुंड लंका गुंड धनिया पाउडर जीरा पाउडर। एवं आम कलरा पोस्त प्रस्तुत करिबा। आमे प्रथमे ये जो मसला रखी आपको आगो बाटी नबा। तो आग मुझे सुखिले आगो टिके बाटी नहीं जाऊँगी, एमती बाटी नहीं गले मसलाटा भल कि प्लेन हो जीवो। तो आगो सुखिले आगो बाटी नहीं जीवा। इतने आउ टिके पानी देकी आपको भल कि प्लेन करके बाटी दबा। मसलाटा ग्राइंडिंग हो गला। ये मसलाटा को कलरा पोस्त बनवा पूर्व अध घंटा पूर्व ये मसलाटा को बाटिक रखे, कहीं मसलार जो सोरसटा दिखाई ना से पिता लगे आगुरी टे बाटिक रखी थे तर टेस्टा भल आस। मुझे कला सोरस व्यवहार करें, धला सोरस भी नहीं पारे। बर्तमान गैस अन करवा। फैनटा ताती गला, एथर अल्प किसी तेल देद। तेल गरम हो गला, एथर आम कलरा जो काटिक रखी थे पकईद। एथर अल्प टिके हलदी दबा, लुण अल्प टिके दबा, देखिए आपको टिके भल कि भाजवा। कलराटा अधा भाजी आसाणी, एबे आमे आलू जो काटिक रखी थे ताको पकाई दबा। आलू पकई आपको आउ टे भल कि भाजीद। कलरा आलू भल कि भाजी हो गला, आम प्लेट को काढ़ी नहीं जावा। अल्प टिके तेल देद, जीरा अल्प देद, कटा पिज तो रखा पिजटा को भल कि ब्राउन कलर हवा जाके भाजवा। पिजटा भल कि भाजी गला, आम कटा टमाटो दे। हलदी अल्प टिके दबा, लंका गुंड हाफ चमच, धनिया गुंड हाफ चमच, जीरा गुंड हाफ चमच दे दबा, स्वाद अनुसार लुण दे दबा, आपको टिके भल कि मिक्स कर दबा। मसला रे आउ टिके अल्प टिके पानी दे देके आगो आउ भल कि कसी दबा। मसलाटा भल से हो गला, आलू आ कलरा जो भाजिक रखी थे ताको पकई दबा, आपको टिके मिक्स कर दबा।
ଏଇଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ବାଟିକି ପୋସ୍ତ ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆକୁ ଟିକେ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲକି କଷିବା। ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଭଲକି ଫୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ଭଲସେ ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ କଲରାରେ ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ତା'ର ସ୍ମେଲଟା ବି ଭଲ ଆସିବ। କଲରାର ଯେଉଁ ପିତା ଅଂଶଟା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ପକାଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଲରା ପୋସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲଟା ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତା'ର ୟୁନିକ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା।